दोस्तों मैं अजीत स्वागत करता हूं अपने नए एक और अराइवल डिपार्चर सीरीज में। दोस्तों आज का डिपार्चर वीडियो है जो कि गुवाहाटी से लोकमान तिलक टर्मिनल को जाने वाली गुवाहाटी लोकमान तिलक टर्मिनल एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 15648, जो कि गुवाहाटी से मुंबई के बीच चलती है। दोस्तों यह ट्रेन गुवाहाटी से प्रत्येक बृहस्पतिवार को 3 बजे चलती है और यह मुंबई में शाम को 5:50 पे तीसरे दिन यानी बृहस्पतिवार को यह पहुंचा देती है। इस बीच यह कुल मिलाकर 2735 किलोमीटर की दूरी तय करती है और इस दूरी को तय करने में इसको तकरीबन 50 घंटे 50 मिनट का समय लगता है और कुल यह 50 हॉल्ट पे रुकते हुए यह 54 की स्पीड में चलती है, जिसकी एवरेज स्पीड है इसकी 54। दोस्तों इसके रूट के बारे में बात की जाए तो गुवाहाटी से चलने के बाद यह कमाख्या, न्यू बोंडीगांव, न्यू अलीपुर, न्यू कूच बिहार, न्यू जलपाईगुड़ी, किशनगंज, मालदा टाउन, साहेबगंज, भागलपुर, जमालपुर, जूल, पटना, दानापुर, आरा, बक्सर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, प्रयागराज, सतना, कटनी, जबलपुर, इटारसी, भुसावल, नासिक के बाद यह लास्ट में यह मुंबई को चली जाती है। दोस्तों यही इसका रूट था। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 22 डब्बे हैं, जिसमें जनरल के 2 डब्बे हैं, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ। इसके बाद सुपर के 11 डब्बे हैं जो कि एस सीरीज से डिनोट किए जाते हैं। इसके बाद 20 कार है, इसके बाद A1 कोच है जो कि सेकेंड AC का कोच है, इसके बाद B सीरीज से जो कि थर्ड AC का कोच है उसके 5 डब्बे और एक 20 कार है, तो कुल मिलाकर 22 डब्बे हैं। दोस्तों इसका रेट शेयरिंग होता है गुवाहाटी ओखा द्वारका एक्सप्रेस के साथ में। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल AM7 ब्लॉग को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।